अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। पिछले हफ्ते हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 था। आज हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर जो है उसका 1, 2, 3 इसी तरह दूसरा लेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो बिफ़ोर मूविंग हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, पिछले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसकी रिकैप कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, रिकैप चैप्टर 1, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए थे। सबसे पहले नंबर पे देखें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम 2 के, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि यूज़र का इंटरेक्शन करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। फिर हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने क्या किया था कि कंप्यूटर का कुछ स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर देखा था, कुछ मॉडल्स थे हमने वो देखे थे उसके अंदर। नंबर 4 पे हमने प्रोसेस के बारे में जाना था, प्रोसेस क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज, इन तीनों चीज़ों को देखा था और इनकी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है वो देखा था हमने। नंबर 5 पे हमने प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का टॉपिक डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है वो सोर्स कोड पे रन करता है रेदर देन बाइनरी कोड। तो ये हमारे पिछले चैप्टर के कुछ रिकैप था। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 1 टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं उसमें पहले नंबर पे है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, के कितनी तरह का इंटरफेस होता है, सिस्टम सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम सेल्स। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं। तो हम अपने जो है टॉपिक नंबर 1 यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें जी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सबसे पहले हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सर्विसेज होती हैं। उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। ये देखें जी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड यूज़र, कि यूज़र के जो प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करवा रहा होता है ये। तो देखते हैं जी, इसमें देखें पहले नंबर पे स्क्रीन पे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये फंक्शन सारे दिए हुए हैं। पहला फंक्शन क्या है जी, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है, दो तरह का होता है। एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस वो होता है कि जिसमें आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है थ्रू सम कोड्स। आपको क्या लिखने पड़ेंगे, कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। सपोज़ कि आपने कोई चीज़ कॉपी करवानी है या डिलीट करवानी है तो आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है। तो ये जो इंटरफेस है कमांड लाइन इंटरफेस है। एंड GUI, दूसरा कौन सा है जी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें क्या होता है जी, ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे आजकल विंडोज़ में आइकन बन के आ गए हैं, फोल्डर उसमें क्रिएट कर सकते हैं आप। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो GUI है। नंबर सेकंड पे देखें जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सर्विसेज भी परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन करवा रहा होता है, एरर डिटेक्शन हो रही होती है यहाँ पे, रिसोर्स एलोकेशन के आपने कोई डिवाइस अटैच करवाई है तो उसके जो है एलोकेशन किसने करवानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवानी है। मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कई तरह के हैं, उसकी काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस, ये सारे रिसोर्सेज हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये कुछ फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, ये सर्विसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट देखें जी,
हमारे पास ए व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ये देखें डायग्राम में जैसे आपको नज़र आ रहा है, सबसे टॉप लेवल पे यूज़र है, सिस्टम प्रोग्राम है, फिर उसके बाद इंटरफेस आ जाता है, GUI, कमांड लाइन, बैच, यूज़र इंटरफेस, फिर सिस्टम कॉल्स कि सिस्टम किस टाइप की कॉल करता है, नीचे सारी सर्विसेज हैं कौन प्रोवाइड कर रहे हैं आप अगर देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट में हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करवा के ये जो फंक्शन है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये डायग्राम में सारे जो हैं सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे टॉपिक है जी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। अब देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है और कितनी तरह का। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ऑन द CLI एंड सेकेंड इज GUI। CLI अभी देखते हैं हम क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI एब्रिविएटेड कमांड लाइन इंटरफेस। ये किस तरह का होता है इंटरफेस, देखें जी, कमांड लाइन इंटरफेस विच यूजेस टेक्स्ट कमांड एंड मेथड फॉर इंटरिंग देम से अ प्रोग्राम टू अलाउ इंटरिंग एंड एडिटिंग ऑफ कमांड। क्या आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ इंटर करनी है, डाटा इंटर करना है, फिर उससे आउटपुट लेनी है प्रोसेस, तो थ्रू कमांड्स आपने क्या करना है जी, सारी कमांड्स आपको देनी पड़ेंगी। जैसे इसके एग्जांपल ले लें, डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन इंटरफेस था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखें जी डायग्राम में जैसे दिखाया गया, ये सारी कमांड्स लिखी हुई हैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड जो है वो है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। हेयर इज इंटरफेस इज़ अ विंडो सिस्टम विद पॉइंटिंग डिवाइस टू डायरेक्ट इनपुट आउटपुट चूज फ्रॉम मेन्यूज एंड मेक सिलेक्शन एंड कीबोर्ड एंड इंटर टेक्स्ट। यानी यहाँ पर क्या है, आपके पास मेन्यूज होते हैं, टेक्स्ट इंटर करने के लिए बॉक्सेस दिए होते हैं, आइकन हैं, बटन हैं। ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आजकल जो विंडोज़ आ रही हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, सो ऑन, इससे पहले जो विंडो, तो ये सब तमाम क्या हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें आपको क्या है कि एक यूज़र इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली मिलता है, आप आसानी से जो है, अब आपने सपोज़ कॉपी करना है कुछ, तो आप फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं कॉपी, और फिर दूसरे भी जगह पे जाके जहाँ आपको आप पेस्ट करवाना चाहते हैं वहाँ जाके आप उसको पेस्ट करवा देते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये GUI इन्वायरमेंट है, ये CLI की निस्बत बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने में। ये देखें जी, जैसे स्क्रीन पर आपको बटन आइकन नज़र आ रहे हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, टॉपिक नंबर हमारा जो 2 है, सिस्टम कॉल्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल क्या होती है जी, सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि सिस्टम कॉल क्या होते हैं, एक इंटरफेस करवाते हैं आपका किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसके साथ आपका इंटरफेस करवाते हैं। सपोज़ आपने कॉपी का फंक्शन परफॉर्म किया है, तो ये आपने एक कॉल की है, सिस्टम कॉल की है, तो कॉपी का फंक्शन कौन परफॉर्म करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल ऑफ सिस्टम कॉल देखें जी, यहाँ पर सोर्स फाइल है, डेस्टिनेशन फाइल है, उसके नीचे आप देखें एक्वायर इनपुट फाइल नेम, आपने फाइल नेम आपको चाहिए, आपने कुछ लिखना है, एक्सेप्ट इनपुट, एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, ये सिस्टम कॉल है। तो उसके लिए आप क्या है, कोई ना कोई जब कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करवाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम कॉल। नेक्स्ट देखें जी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, ये क्या होता है जी, द API स्पेसिफाइड सेट ऑफ फंक्शन दैट आर अवेलेबल टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंक्लूडिंग पैरामीटर दैट आर पास टू ईच फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यू प्रोग्रामर कैन एक्सेप्ट। कि आप जब कोई कमांड देते हैं, यूज़र जब कोई कमांड देता है कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या है, आगे जो है फर्दर जो एक्शन परफॉर्म करवाता है या जो लिंकेज करवाता है उस प्रोग्राम के साथ जिसके थ्रू आपने क्या किया है, वो कमांड दी है, वो क्या कहलाता है जी, API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, प्रोग्राम के साथ आपका इंटरफेस करवा रहा होता है बेसिकली। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम कंटिन्यू करते हैं, ये देखें जी, यहाँ पर
साइज, रीड, इंट, फॉरवर्ड, वाइड, ये आपने कुछ कमांड दी है, तो ये फंक्शन का नेम आपने लिखा है, पैरामीटर कुछ लिखे हैं, तो ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा वो इसको रीड करेगा और रिटर्न में आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। नेक्स्ट देखें जी, हम मूव करते हैं सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। टिपिकली नंबर ऑफ एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल, कि क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं जो सिस्टम कॉल के साथ अटैच होते हैं। सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन ए टेबल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दीज नंबर, हर कमांड का, हर एक्शन का नंबर असाइन किया हुआ होता है, उसके मुताबिक ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। द सिस्टम कॉल इंटरफेस इनवोक द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ओएस कर्नल एंड रिटर्न स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल एंड रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन जो है कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपको मैं इस डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। ये आपको जो है यहाँ पर कर्नल मोड, ऊपर यूज़र मोड, यूज़र एप्लीकेशन, यूज़र क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। जब वो सिस्टम कॉल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ ये जो फंक्शन पर ओपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम कॉल, तो ये यहाँ पर जो है सारा फंक्शन परफॉर्म करके ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, और फिर रिटर्न में आपको ये सिस्टम कॉल जो इंटरफेस है यहाँ इस यूज़र को वैल्यू मिल जाएगी। ये सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन के एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल कितनी तरह की होती हैं जी सिस्टम कॉल, फाइल मैनेजमेंट, फाइल की जो मैनेजमेंट हो रही है उसमें क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन क्लोज फाइल, रीड राइट, रीपोजिशन, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट, ये तमाम जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं ये फाइल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल की एक टाइप है। डिवाइस मैनेजमेंट हो रही होती है, स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क है आपके पास, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट, रिपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, तमाम चीज़ें जो भी हैं वो तमाम ये सिस्टम कॉल के थ्रू हो रही होती हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, गेट टाइम आर डेट, सेट टाइम आर डेट, गेट सिस्टम डाटा, सेट सिस्टम डाटा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी क्या हैं, सिस्टम कॉल की एग्जांपल हैं। कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन, कनेक्शन, आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो आपका जो कनेक्शन है वो कौन करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा डेफिनेटली, और ये सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। सेंड रिसीव मैसेज है उसमें, फ्राम क्लाइंट टू सर्वर, शेयर्ड मेमोरी मॉडल, ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच एंड डी अटैच रिमोट डिवाइस, ये तमाम जो फंक्शन होंगे ये थ्रू सिस्टम कॉल होंगे। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या है जी हमारे पास, ये भी सिस्टम कॉल की टाइप है। कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज, गेट एंड सेट परमिशन, अलाउ एंड डिनाई यूज़र, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड जो सेट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि आपके अलावा कोई और कंप्यूटर लॉगिन ना कर सके, तो ये भी क्या है, सिस्टम कॉल की एक टाइप है प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ विंडोज़ एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल, अब हम यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करेंगे। ये देखें जी, विंडोज़ एक साइड पे, यूनिक्स, ये विंडो जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यूनिक्स जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कौन सी सिस्टम कॉल है, क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इस तरह यूनिक्स में आपने कौन सी कमांड लिखनी है, फोर्क, एग्जिट, वेट। अब फ़र्क देखें जी, वहाँ पर कमांड्स हैं, यहाँ पर देखें किस तरह से हम प्रोसेस है, क्रिएट करवा रहे हैं, एग्जिट करवा रहे हैं। फाइल मैनिपुलेशन के लिए क्रिएट फाइल है, रीड फाइल, राइट फाइल एंड क्लोज हैंडल, इस तरह वहाँ पर क्या है, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज। इस तरह डिवाइस मैनिपुलेशन है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है और प्रोटेक्शन है। ये विंडोज़ और यूनिक्स यानी कमांड लाइन और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उन दोनों के दरमियान फ़र्क भी बताया गया, और सिस्टम कॉल किस तरह से होगी ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। टॉपिक नंबर 3 है हमारा सिस्टम प्रोग्राम। तो जैसे कि लास्ट वीक जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है एक ही चीज़ है, दो तरह के होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, ये जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवा रहा होता है, जैसे कि विंडो है, ये सिस्टम प्रोग्राम की एक एग्जांपल है, ये टाइप है, आप समझ सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हम मूव करते हैं,
सिस्टम प्रोग्राम आल्सो नोन एज सिस्टम यूटिलिटी प्रोवाइड ए कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन. मोस्ट यूजर व्यू ऑफ ऑपरेशन सिस्टम इज डिफाइंड बाई सिस्टम प्रोग्राम नॉट एक्चुअल सिस्टम कॉल. तो कहने का मतलब यही है कि जो इंटरफेस करवा रहा होता है, इंटरेक्शन करवा रहा होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, वो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं. उसमें फाइल मैनेजमेंट है, क्रिएट डिलीट कॉपी रीनेम प्रिंट डंप लिस्ट एंड जनरली मैनिपुलेट फाइल एंड डायरेक्टरी. ये सिस्टम प्रोग्राम के एग्जांपल है. नेक्स्ट स्टेटस इंफॉर्मेशन है. स्टेटस इंफॉर्मेशन सम आस्क द सिस्टम फॉर इन्फो डेट टाइम अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी डिस्क स्पेस नंबर ऑफ़ यूज़र. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कौन बता रहा होता है? स्टेटस जो हमें मिल रहा होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डिस्क का, मेमोरी का, तो ये क्या है हमारे पास? ये भी सिस्टम प्रोग्राम की एक एग्जांपल है. नेक्स्ट देखें फाइल मॉडिफिकेशन. हमने फाइल्स को मॉडिफाई करना है. टेक्स्ट एडिटर है. क्रिएट एंड मॉडिफाई स्पेशल कमांड टू सर्च कंटेंट्स ऑफ फाइल और परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट. ये तमाम चीज़ें ये कौन करवा रहा होता है? सिस्टम प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है कौन सी लैंग्वेज है, वो हाई लेवल है, लो लेवल है, कौन सी जनरेशन है उस लैंग्वेज की, तो वो भी क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है. कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है एंड इंटरप्रेटर. ये तमाम चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाया करती हैं. प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन है. कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन में क्या है कि प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग द प्रोसेसेस यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम. कि जब आप एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट करवा रहे हैं, तो वो भी कौन करवा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहे हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम के अंदर लाया करता है और ये सिस्टम प्रोग्राम की एग्जांपल है. देखें बैकग्राउंड सर्विसेज हैं कुछ. लॉन्च एट बूट टाइम सम फॉर सिस्टम स्टार्टअप. सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, उसके लिए भी क्या है यहाँ पर? कुछ सर्विसेज होती हैं जो सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू हो रहा होता है ये तमाम काम. टॉपिक नंबर 3 सिस्टम प्रोग्राम. देखें जी प्रोवाइड स्टडी लाइक डिस्क चेकिंग प्रोसेस स्केजुलिंग एरर लॉगिंग प्रिंटिंग. ये तमाम चीज़ें रन इन यूज़र कॉन्टेक्स्ट नॉट कर्नल कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद देखें यहाँ पर नोन एज सर्विसेज सब सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम. आप देखें सिस्टम प्रोग्राम अब एप्लीकेशन. डोंट पर्टेन टू सिस्टम. ये सिस्टम से रिलेट नहीं करती. ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाती हैं जैसे पहले बताया रन बाय यूज़र. यूज़र इसको रन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करवाता. नॉट टिपिकली कंसिडर पार्ट ऑफ OS. OS का पार्ट भी नहीं होते जैसे सिस्टम प्रोग्राम OS का पार्ट है. ये उससे अलग हैं. लॉन्च बाय कमांड लाइन माउस क्लिक फिंगर पोक. ये दोनों चीज़ें इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है इन्वॉल्व और CLI के थ्रू भी आप कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स. गोल्स क्या हैं जी? मकासद क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? उसके में दो तरह के हैं. यूज़र गोल है. देखें जी यूज़र गोल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, इजी टू लर्न, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट. डेफिनेटली यूज़र जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करता है तो वो कुछ चीज़ें सामने रख के ही ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेगा कि ये कितना कन्वीनियंट है, कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना सेफ़ है, कितना रिलायबल है. ये तमाम चीज़ें उसने देखनी होती हैं. तो ये तमाम चीज़ें यूज़र गोल्स के अंदर कंसीडर होती हैं. नेक्स्ट देखें जी सिस्टम गोल क्या होते हैं. सिस्टम गोल ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिज़ाइन. के आसानी से क्या है आप इसको डिज़ाइन कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें एंड मेंटेन एज वेल एज फ्लेक्सिबल हो, रिलायबल, एरर फ्री एंड एफिशिएंट. ये तमाम चीज़ें सिस्टम गोल के अंदर आती हैं कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा होता है ये तमाम चीज़ें सामने रखी जाती हैं. लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पे एंड हो गया है. होप सो आपको समझ आ गया होगा. फर्दर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप आस्क कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चनिंग. उसके बाद देखें जी हमारा लेक्चर नंबर 1 दी एंड. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.